देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। अपराध के खिलाफ जंग। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस काफी सक्रिय दिख रही है और इसी क्रम में कुशीनगर की कसिया थाने की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 16,320 शीशी और कुल 2,937 लीटर शराब, जो ट्रक से हाईवे होते हुए बिहार जा रही थी। तो कसिया क्षेत्र के गोपालगढ़ में घेराबंदी कर पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब के ट्रक को पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त, जो ट्रक का चालक है और उसके सहयोगी हरियाणा के रहने वाले हैं, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये हरियाणा निर्मित क्रेजी रोमियो शराब जो ट्रकों से बिहार ले जाई जाती है। का मामला है और कितने आरोपी आज कसिया पुलिस द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें शराब की रोकथाम को चलते देख एक बड़ी छापेमारी की गई है। इसमें एक ट्रक पकड़ा गया है जिससे तकरीबन 3,000 लीटर क्रेजी रोमियो शराब बरामद की गई है। इसमें 16,000 के करीब शीशियां बरामद हुई हैं। इसमें जो सराहनीय कार्य किया गया उसमें ये है कि जो ट्रक था उसमें छुपा करके ये शीशियों को लाया जा रहा था और कसिया पुलिस ने मुखबिर सूचना पर इसको बरामद किया है। ये हरियाणा से शराब बनकर आ रही थी। नामियां पकड़ा गया है, कब से मानचित था और किस तरह की कार्रवाई की गई? ये कप्तानगंज पुलिस द्वारा 1,75,000 का इनामिया अजय कुमार सिंह को पकड़ा गया है। ये गैंगस्टर के मुकदमों में वांछित चल रहा था, इस पर कई संगीन अपराध लूट जैसे उस पर दर्ज थे। इसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये कप्तानगंज पुलिस का सराहनीय कार्य है। ये हाटा का किस तरह का मामला है और क्या? आज हाटा पुलिस द्वारा अवैध रूप से गोवंश और एक बछड़ा ले जाए जा रहे थे, बोलेरो पिकअप से पकड़ा गया है। हाटा पुलिस ने इसमें मुखबिर सूचना पर छापेमारी की, जिसमें अवैध जो तरीके से गोवंश और बछड़े को ले जाया जा रहा था उसके पैर बंधे हुए थे, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसको तस्करी के माध्यम से ले जाया जा रहा था। हाटा पुलिस द्वारा ये एक सराहनीय कार्य किया गया है। कितने अभियुक्त इसमें तस्कर गिरफ्तार? इसमें 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो इसमें बोलेरो पिकअप और एक और बोलेरो गाड़ी थी उसको ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। अपराध के खिलाफ जंग।